श्योपुर में 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और जिले में कुल 85 केंद्र बनाए गए। कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधि के द्वारा केंद्र पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और देखा कि टीकाकरण सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इस महाअभियान का शुभारंभ शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शुरू किया गया और इस तरह कलेक्टर महोदय सभी केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और इन सभी बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए 18 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण करवाएं, सुरक्षित रहें। लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाएं। और लोगों के लिए देखिए 15 से टीकाकरण प्रारंभ हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सभी जगहों पे उचित व्यवस्था कर इन सभी बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे जिले में कुल 85 केंद्रों को बनाया गया है और आज माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ हम सभी लोग इन केंद्रों पर जाके देख भी रहे हैं कि उचित व्यवस्था है, सुनिश्चित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों का जो टीकाकरण है उसको शीघ्रता से पूर्ण करें। 10 तारीख से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 प्लस ऐसे नागरिक जिनको कोई गंभीर बीमारी है उनका भी टीकाकरण हम लोग प्रारंभ करेंगे। और आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए पात्र है वो आके अपना टीका लगवाएं और कोरोना का जो सुरक्षा कवच है उसको धारण करें। जय हिंद।